first in a very beautiful and determined way. अवलोकन में योग प्रोग्राम प्रस्तुत किया जा रहा है। Their power, their ability, and their determination to win. लाज बताइए, नाम बताइए। सर इनके गूगल पर एंजल त्यागी, अंशिका, चारवी, सेजल, यशवी, अरे एक सेकंड यहाँ एक बार मैं चाहूंगी कि सभी एक बार जोरदार तालियों में कार्य करती हैं, तो उनका भी फूल माला और एक शॉल के द्वारा उनका स्वागत करें। शशि पब्लिक स्कूल की बात करें तो ताहिरपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर अपना स्पोर्ट्स एनुअल स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं। हमारे बीच में ओपी राय जी हैं, जो कि कला निकेतन पब्लिक स्कूल के संस्थापक भी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे स्पोर्ट्स डे? स्पोर्ट डे में देखिए मुझे बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छे उसी के साथ में एक जोश के साथ में पार्टिसिपेट करें। मार्च पास मैंने देखा है
और अभी इनके कार्यक्रम शुरू हो गए। हर स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे होना चाहिए क्योंकि पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स करना बहुत जरूरी है। आपने कहा मौसम अच्छा है, लेकिन दिल्ली की बात करें तो पॉल्यूशन भी बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल लाल, 100% आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन क्या किया जाए, इसमें स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कुछ ना कुछ तो बच्चों को तो करना पड़ेगा। सही बात है कि पॉल्यूशन से हर आदमी बच रहा है, बच्चों को भी बचाना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं कि जिनमें उसके बिना काम। सर हम ऐसे में स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, पॉल्यूशन इतना भयंकर है, मिलावटखोरी चरम सीमा पर है, कैसे बच्चे स्वस्थ रहेंगे ये बताएं। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल इससे एग्री करते हैं पूरा। आप दौड़ रहे हैं तो अस्थमा के मरीज बन रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हार्ट अटैक हो रहे हैं। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं, डायबिटीज बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। और पूरा अपनी भारत सरकार देख रही है, पूरा दिल्ली की सरकार देख रही है, और टीवी पे भी हम रोज देखते हैं कि छोटे बच्चों में कितने रोग आ रहे हैं और लाइफ भी कम हो गई जो पहले लगी है। बिल्कुल इसके लिए तो मैं यही कहूंगा सरकार को स्वास्थ्य के बारे में, अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, उससे देश आगे है, तो सरकार को इसके बारे में बहुत कुछ सोचना चाहिए, पूरा इधर ध्यान देना चाहिए ताकि इस वातावरण को सही कर सके। मानते हैं मेजर चिंता का विषय है, बिल्कुल मेजर चिंता का विषय, स्वास्थ्य नहीं तो रह क्या गया। सर स्पोर्ट्स डे के अवसर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत जरूरी है। आजकल खेलों में भी कैरियर है, पहले कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन अब उल्टा है, अब खेल कूद में भी कैरियर बन रहा है और लोग ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, नाम हो रहा है। इसलिए बच्चों के लिए भी छोटी सी स्टेज से ही, शुरू की स्टेज से ही खेल कूद में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। शशि पब्लिक स्कूल की तरफ से जो ये आयोजन हो रहा है इसकी ने बहुत बहुत मुबारकबाद और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना। धन्यवाद। हमारे बीच में अजीत अग्रवाल साहब हैं जो कि प्रमुख समाजसेवी भी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, शशि पब्लिक स्कूल ने 21वें स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया, ये जो आज प्रोग्राम हुआ इनका स्पोर्ट्स डे का, ये बच्चों में एक कॉन्फिडेंस लाता है, बच्चों के भविष्य के लिए स्टेज मिलता है बच्चों को, ताकि बच्चा आगे हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सके और बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ सके। अजीत जी देखने में आ रहा है कि स्वस्थ रहना जरूरी है, स्वस्थ रहना जरूरी है, लेकिन दिल्ली जैसे शहर के अंदर कैसे स्वस्थ रहें जहां पोल्यूशन की भरमार है? देखिए स्वस्थ रहने के बहुत सारे नियम कानून हैं, लेकिन बच्चों के लिए इससे अच्छा कोई चीज नहीं है कि बच्चा स्पोर्ट्स डे में भाग ले। स्पोर्ट्स डे के अंदर बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए, इससे बच्चे का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, मानसिकता बनी रहती है और बच्चे के जो मानसिकता का विकास होता है वो विकास बनता रहता है, इससे बच्चों में एक अलग से एक्टिविटी जाती है। स्पोर्ट्स डे के अवसर पर कर्दमपुरी से निगम पार्षद मुकेश बंसल जी भी आए। मुकेश जी क्या कहना चाहेंगे स्पोर्ट्स डे के? देखिए शशि पब्लिक स्कूल द्वारा ये प्रोग्राम किया जा रहा है स्पोर्ट्स डे का, बहुत बधाई के पात्र है वर्मा जी, क्योंकि जरूरी है जी। जब तक पढ़ाई के साथ हम खेल नहीं करेंगे ना, इससे पहले बच्चों में जो कलाकारी है जो फिटनेस है वो उभर के नहीं आएगी। और हमारे देश के तो प्रधानमंत्री कहते हैं खेलो इंडिया अभियान चलता, पार्षद को विधायक को सांसदों को अपने क्षेत्र में स्पोर्ट्स के लिए बढ़ावा देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं, तो ये अच्छा आयोजन है और मैं तो बधाई देता हूँ और अभिभावकों को भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि जब तक हम फिट नहीं रहेंगे खेलने से ही फिट होंगे और जब तक फिट होंगे हम आज भारतवर्ष इतना ही नौजवान रहेगा। लेकिन मुकेश जी सबसे बड़ी बात है फिट रहने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, स्वस्थ के लिए पोल्यूशन फ्री होना जरूरी है और दिल्ली तो पोल्यूशन फ्री है ही नहीं। देखिए वो तो हमारा काम है फिट रखना, केजरीवाल का काम है पोल्यूशन फैलाना, क्योंकि वो तो भाई इलाज कराने चले जाते हैं बंगलोर कभी पंजाब, क्या आम पब्लिक जा सकती है क्या इस तरीके से? जो वो मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने किसके लिए खोला था, आम पब्लिक के लिए, तो मोहल्ला क्लिनिक में कराना है क्या? देखिए ये तो उनकी अपनी राजनीति का स्टंट है, पोल्यूशन के लिए मैं कहते कई हजार करोड़ रुपए उन्होंने एनजीटी के नाम पे इकट्ठा कर लिया, इस मुक्त करना तो कुछ नहीं है, गाड़ियां बंद कर दिया, मार्केट बंद कर देते, फैक्ट्रियां बंद कर देते, निर्माण कार्य बंद कर देते हैं, जिस देश की राजधानी में निर्माण कार्य साल में 4 महीने बंद रहेगा क्या वो तरक्की कर सकता है, क्या वो पेरिस बन सकती है क्या? ये तो केजरीवाल सोचना चाहिए, तुम कह क्या रहे हो कर क्या रहे हो? क्या कहना चाहेंगे स्पोर्ट्स डे के अवसर पर? स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहूंगा जो भी बच्चों ने अपने खेल रुचि रखी है और वो जिन्होंने पार्टिसिपेट करा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद,
और जो बच्चे क्या कहते हैं फर्स्ट सेकंड आएंगे उन्हें मूवमेंट के द्वारा प्रोत्साहित किया जाए।